हाय एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 का जो सेकेंड यूनिट है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है और आसान है। वैसा कोई इसमें टॉपिक नहीं है जो समझने में काफ़ी परेशानी हो। आसान चैप्टर है, लंबा है, पढ़ेंगे इसको आराम से। और सबसे बड़ा कि न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में बहुत हैं, हर एक टॉपिक से न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वह बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है, इसको हिंदी में हम लोग जो है विलयन या घोल के नाम से जानते हैं। होता क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे सॉल्यूशन को हम लोग, तो इसके लिए एक सटीक सा डेफिनेशन कि द होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose compositions can be changed within certain limits is called solution। कि द होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशंस कैन बी चेंज्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका, इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ? तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसका मतलब यदि हम लोग समझ जाए तो सॉल्यूशन का कंप्लीट डेफिनेशन हम लोग को जो है मिल जाएगा। वे कौन से वर्ड्स हैं? तो सबसे पहला या जो दो वर्ड है, होमोजीनियस कॉम्बिनेशन, क्या इसका मतलब होता है? देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब तो हुआ मिलावट, दो या अधिक चीज़ को एक दूसरे से कंबाइन करो, मिलाओ, कॉम्बिनेशन हुआ। और यह होमोजीनियस क्या है, या होमोजीनियस क्या है? तो होमोजीनियस कहने का मतलब हुआ यूनिफॉर्म, मतलब एक समान, मतलब या सिंगल फेज, जो एक सिंगल फेज की तरह दिखाई दे उसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस या यूनिफॉर्म। जैसे जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो वहाँ आपका एक ड्रेस कोड चलता है जिसको बोला जाता है यूनिफॉर्म। इसलिए क्योंकि सभी बच्चे एक ड्रेस कोड में रहेंगे, एक समान लगेंगे, देखने में कोई अंतर नहीं किया जा सकता उनमें। मान के चलो कि ड्रेस कोड नहीं रहता, यूनिफॉर्म नहीं चलता, तो हो सकते थे कि जो बच्चे गरीब हैं वे लगातार एक ही ड्रेस पहन कर के आ रहे हैं, पुराना ड्रेस है, फटा हुआ, जो भी है। और कुछ जो इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रांग है वे बच्चे रोज़ अलग अलग ड्रेस बदल कर के आ रहे हैं, थोड़ा फैंसी ड्रेसेस पहन रहे हैं। ड्रेस के आधार पर तो हम लोग देख करके थोड़ा बहुत अंतर कर ही लेते हैं कि हाँ, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो अंतर है इकोनॉमिकली। तो यह अंतर आप पैदा ना कर सको वहाँ, इसलिए जो है कॉलेजेज और स्कूल में एक ड्रेस कोड चलाया जाता है जिसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो हैं अलग अलग बच्चे, उनका इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है, लेकिन फिर भी सारे बच्चे एक ड्रेस कोड में आते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सभी एक समान है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब कोई ड्रेस कोड में आ रहा है, सब कोई ड्रेस लिया, मतलब यहाँ तक सब कोई एक ही जैसा है। तो इस होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब एक सिंगल फेज, मतलब एक समान, देख करके आप उनमें अंतर ना कर सको। तो ये दोनों वर्ड्स मिला के देखो, अब होमोजीनियस कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन मतलब हम बोल रहे मिलावट, फिर होमोजीनियस मतलब बोल रहे सिंगल फेज। तो वैसा मिलावट जो एक सिंगल सब्सटेंस की तरह दिखाई दे उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस कॉम्बिनेशन। वह मिलावट जो एक सिंगल कंपोनेंट की तरह प्रतीत हो तो वह कहलाता है होमोजीनियस कॉम्बिनेशन। आगे आते हैं, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस,
कि दो सब्सटेंस या अधिक जो आपस में तुम मिलाओगे वे आपस में नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, वे आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। सपोज आप ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे, कोई रिएक्शन नहीं होता है, बस या ग्लूकोज और एक्वस हम लोग लिखते हैं ऐसा। लेकिन वही आप सोडियम क्लोराइड है, या छोड़ो सोडियम क्लोराइड की जगह आप कैल्शियम कार्बोनेट लो, सॉलिड है, यदि इसको आप वाटर में डिजॉल्व करते हो लिक्विड, तो आप क्या बनाओगे, बनाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 बनाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। तो यहाँ जो दो सब्सटेंस हमने लिया, ग्लूकोज और कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्वेंट दोनों में, मतलब कि दोनों को वाटर में ही डिजॉल्व किया जा रहा है, ग्लूकोज वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना, वह वाटर से रिएक्शन किया और रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 बनाया। अब आप ग्लूकोज को वाटर में घोलो और चूना को वाटर में घोलो, घोलने के बाद तो दोनों एक सिंगल फेज की जैसा ही दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन दोनों में एक सब्सटेंस जो है रिएक्शन कर जा रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। तो यहाँ डिफिनेशन में है कि वैसे सब्सटेंस का होमोजीनियस कम्बिनेशन हो जो आपस में नॉन रिएक्टिंग हो, जो रिएक्शन ना करे। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो ये एप्लीकेबल होने से रहा, ग्लूकोज के साथ। अगला लाइन, हुज कंपोजिशंस कैन बी चेंज्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब बोल रहा है कि दो मतलब जो सब्सटेंस को तुम आपस में मिलाओगे, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को, तो उन सब्सटेंस के कंपोजिशंस को आप एक लिमिट तक चेंज कर सकते हो। कंपोजिशन मैंने समझो उसके अमाउंट को चेंज कर सकते हो, एक का अमाउंट बढ़ा सकते हो, दूसरे का घटा सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक, ये नहीं कि किसी का बहुत ज़्यादा कर दिए, किसी का बहुत, ऐसा नहीं, एक लिमिट तक बढ़ा घटा सकते हो, तब जाकर के आपको जो है एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब पूरे सेंटेंस को एक बार में हम लोग पढ़ें कि द होमोजीनियस कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशंस कैन बी चेंज्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। कि दो या अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का वह कम्बिनेशन जो होमोजीनियस हो और जिसके अमाउंट को एक सर्टेन लिमिट तक चेंज किया जा सके, तो वैसे नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का होमोजीनियस कम्बिनेशन कहलाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए यह तीन बात, होमोजीनियस कम्बिनेशन हो, मतलब समझ गए कि वैसा मिलावट जो देखने में लगे कि कुछ मिलावट है ही नहीं, सिंगल फेज का हो, नॉन रिएक्टिंग हो और उसके कंपोजिशन को चेंज किया जा सके। तो यदि यह ओवरऑल बात फुलफिल हो रहा है तो ऐसे कम्बिनेशन को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, अन्यथा नहीं। अब यदि ये दोनों में पूछा जाए सॉल्यूशन कौन है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस वन इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन। यह सॉल्यूशन नहीं होगा परफेक्ट, क्योंकि यह तो रिएक्शन कर रहा है, कंपोजिशन इसका अलग हो जाएगा, आप जितना अमाउंट मिलाओगे उतना मिलेगा नहीं, कुछ तो CO2 वहाँ से इवॉल्व हो रहा है ना, ऐसे। तो वैसे ही यदि आप ले लो कि ऑयल को वाटर में मिलाओ, पानी और तेल, ऑयल कहने का मतलब कोई पेट्रोलियम हो सकता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, सरसों तेल, कुछ भी जो वाटर से इनसॉल्युबल हो। तो जनरली जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सरसों तेल है, सपोज उसको आप वाटर में मिलाओ, मिला के खूब सेक करो, हिलाओ डुलाओ, देखो वह होमोजीनियस बनता है कि नहीं बनता है, नहीं बनेगा, उसमें ऑयल का अलग लेयर होगा, वाटर का अलग लेयर होगा। और ऐसे दो कंपोनेंट को जब तुम मिलाओगे तो मिलाने के बाद बिल्कुल भी नहीं कह पाओगे कि ये दोनों एक सिंगल फेज में हैं, ये तो ऑब्वियसली देख के ही पता चल जाएंगे दोनों अलग अलग फेज में हैं। तो ऐसे कम्बिनेशन को जो है हम लोग हेट्रोजीनियस कम्बिनेशन बोलते हैं, एंड यह हेट्रोजीनियस कम्बिनेशन इज कॉल्ड या मिक्सचर नॉट सॉल्यूशन। तो यह ऑयल और वाटर का जो है कम्बिनेशन, वह एक मिक्सचर हुआ, मिश्रण हुआ, उसे विलयन आप नहीं कहोगे, वह एक सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। लेकिन वही आप वाटर में थोड़ा सा दूध मिला दो, इथेनॉल मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, मिलाने के बाद देखो इसको सेक करो अच्छे से, मिल जाएंगे, पता नहीं चल पाएगा कि इसमें से कौन कौन सब्सटेंस मिले हुए हैं। तो वैसे कम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे, होमोजीनियस, और ये कहलाएंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज या होमोजीनियस कम्बिनेशन
ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशंस कैन बी चेंज्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब एक सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जिन सब्सटेंस को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, वे सब्सटेंस कहलाते हैं उस सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स। जैसे आप ग्लूकोज और वाटर को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाए, तो यहाँ ग्लूकोज एंड वाटर आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन को जिन सब्सटेंसों को मिलकर के बनाया जाता है, वे उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स द सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड एज बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टरनरी आल्सो। नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, मतलब दो सब्सटेंस को मिला करके बनाया गया हो, मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब होमोजेनियस कॉम्बिनेशन होगा। टर्नरी मतलब तीन हो, क्वार्टरनरी माने चार हो। तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन का एक बेस्ट एग्जांपल है एयर, जिसमें कई गैस हैं। तो मान लो इसमें मेजर अमाउंट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये चार गैसेस मेन हैं। तो इन चारों का एक होमोजेनियस कम्बिनेशन है एयर। एयर में देख करके पता कहाँ चलता है हम लोग को कि वहाँ नाइट्रोजन किधर है, ऑक्सीजन किधर है, CO2 किधर है, आर्गन किधर है, सभी है वहाँ, और वो एक जैसे हैं, देखने में एक सिंगल फेज लगता है। तो एक क्वार्टरनरी सॉल्यूशन इसको बोला जा सकता है। और भी गैसेस होते हैं, लेकिन ये चार का मिश्रण हम लोग। टर्नरी तीन कंपोनेंट्स होंगे। तो तीन कंपोनेंट, जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड लो, इसके बाद पोटासियम नाइट्रेट भी ले लो, और इसको वाटर में डिजॉल्व करो। तो वाटर, पोटासियम नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, ऑल दीज थ्री आर कंपोनेंट्स फॉर दिस सॉल्यूशन, एंड दीज थ्री मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए होमोजेनियस कम्बिनेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे अभी हमने बताया कि ग्लूकोज को आप वाटर में डिजॉल्व करो, तो दो कंपोनेंट्स में या एक होमोजेनियस कम्बिनेशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट्स हो, क्वार्टरनरी चार, ऐसे ही करके आगे। लेकिन इन सबों में जो मोस्ट कॉमन है, जो इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे या जनरली जो ऑब्जर्व करते हैं, वह है बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब जिसमें कितने कंपोनेंट्स हो, दो कंपोनेंट्स हो। तो बाइनरी सॉल्यूशन इज दैट इन विच देर आर टू कंपोनेंट्स, and these two components are generally called solute and solvent। एक solution के जो दो components हो सकते हैं, एक को solute बोला जाएगा, दूसरे को solvent बोला जाएगा। So solute plus solvent give rise a solution। solute को आप क्या बोलते हो, विलय हिंदी में। सॉल्वेंट को आप क्या बोलोगे, विलायक। और सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, विलयन। ऐसा तो विलय और विलायक मिलकर के एक विलयन बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो एक सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हुए। तो इसमें से सॉल्यूट वह कंपोनेंट है जो डिजॉल्व करता है, विच डिजॉल्व्स, जो घुलता है, एंड प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। सॉल्यूट वह कंपोनेंट है जो घुलता है और साथ ही साथ कम मात्रा में उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। उसी प्रकार से सॉल्वेंट क्या है, तो सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट इन विच डिजॉल्यूशन, इन विच डिजॉल्यूशन टेक्स प्लेस एंड प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी।
प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी। तो अब क्लियर हो जा रहा है पूरा। सॉल्यूट वह सब्सटेंस है जो घुलता है और कम मात्रा में उपस्थित होता है सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट वह हुआ जिसमें डिजोल्यूशन होता है, मतलब जिसमें घोला जाता है या जो घोलने का काम करता है, और साथ ही साथ यह ज़्यादा मात्रा में होता है। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जनरली एक ही होता है, सॉल्यूट एक से, जनरल बात हम बोल रहे हैं, सॉल्वेंट जनरली किसी भी सॉल्यूशन में एक होगा, सॉल्यूट एक या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जनरल फैक्ट यही है, कभी कभी केस में सॉल्वेंट आपको ज़्यादा लेना पड़ता है, लेकिन सॉल्वेंट जनरली एक ही होगा, एक सिंगल कंपोनेंट, सॉल्यूट मोर देन वन कंपोनेंट हो सकते हैं। आप इसको सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में है वह सॉल्यूट और जो ज़्यादा मात्रा में है सॉल्वेंट। कन्फ्यूजन हो जाता है कि बाद में सोचते हैं कि कौन कम था कौन ज़्यादा था, दिक्कत हो जाता है कन्फ्यूजन ना, उसके लिए तो बेसिक सा ट्रिक है। सॉल्यूट आप देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लेटर्स का एक वर्ड है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लेटर्स का एक वर्ड है। ऑब्वियसली यह बड़ा वर्ड हुआ या छोटा वर्ड हुआ, तो बड़ा वर्ड है मैंने ज़्यादा है, छोटा वर्ड है मैंने कम है, तो सॉल्यूट छोटा वर्ड है इसलिए इसमें कम मात्रा में रहेगा, सॉल्वेंट बड़ा वर्ड है ज़्यादा मात्रा। मैंने याद करने का एक तरीका हुआ कि आप कन्फ्यूज ना करो, भूलो ना, इसलिए आप इस ट्रिक से इसको आप याद रख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल की हम लोग बात करें कि आप ले लो इथेनॉल प्लस वाटर बन जाएगा एक सॉल्यूशन, कौन होगा इसमें सॉल्वेंट और कौन होगा सॉल्यूट वो डिपेंड करता है आप पर। वाटर ज़्यादा लिए वाटर सॉल्वेंट, इथेनॉल ज़्यादा लिए इथेनॉल सॉल्वेंट। एक बार फिर से सॉल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन पे आते हैं। सॉल्यूट वह सब्सटेंस है जो घुलता है, सॉल्वेंट वह सब्सटेंस है जो घोलता है। सॉल्यूट घुलता है, सॉल्वेंट घोलता है, ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी वह है जो पढ़ता है, शिक्षक वह है जो पढ़ाता है। विद्यार्थी को कंपेयर कर रहे हैं सॉल्यूट से, शिक्षक को कंपेयर कर रहे हैं सॉल्वेंट से, और दोनों मिल करके पठन पाठन का कार्य करते हैं, अध्ययन कहलाए, सॉल्यूशन पाठ्यक्रम बन गया उससे। तो जैसे जो घुल रहा है उस सॉल्यूट, जो घोल रहा है उस सॉल्वेंट, जो पढ़ रहा है विद्यार्थी, जो पढ़ा रहा है शिक्षक, दोनों मिल के बना सॉल्यूशन, तो टीचर और स्टूडेंट मिल करके जो एक पाठ्यक्रम तैयार किए। तो अब कंपेयर करने से फ़ायदा क्या होगा उसको आगे हम लोग अभी समझते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग इतना जान रहे हैं कि हाँ सॉल्यूट कम मात्रा में है और सॉल्वेंट क्या है ज़्यादा मात्रा में है। तो जैसे अभी जो हम कंपेयर किए विद्यार्थी और शिक्षक को, तो विद्यार्थी और शिक्षक में क्या अंतर है, कोई पूछे कि एक स्टूडेंट एक टीचर में क्या अंतर है, तो सिंगल सा या सिंपल सा आप जवाब दोगे कि विद्यार्थी जो कम ज्ञानी होता है, जो कम जानता है, और शिक्षक जो उससे ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा जानकार होते हैं, ज़्यादा ज्ञानी हैं। चाहे किसी भी फील्ड में आप जाओ, पढ़ाई लिखाई की ही बात ना करो आप, कोई भी खेल है तो उसमें भी जो है स्टूडेंट टीचर होते हैं, म्यूजिक है वहाँ भी स्टूडेंट, हर फील्ड में है। और हर फील्ड में हम लोग इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि जो ज़्यादा जान रहे हैं आपसे, ज़्यादा ज्ञानी है, वे आपके टीचर हुए, और जो कम ज्ञानी है वे स्टूडेंट। उसी प्रकार से जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट। तो जैसे अभी हमने यहाँ बताया कि यदि आप वाटर ज़्यादा लेते हो तो यहाँ वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, इथेनॉल ज़्यादा लोगे तो इथेनॉल हो जाएगा सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों लिक्विड है, दोनों सॉल्वेंट का कार्य कर सकते हैं यहाँ। लेकिन यदि दोनों बराबर लें तब क्या, इफ 50 ml इथेनॉल एंड 50 ml वाटर आर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, देन विच वन विल बी सॉल्वेंट एंड विच वन विल बी सॉल्यूट। कि यदि ये दोनों का इक्वल अमाउंट लेकर के आप बनाओगे तब फिर आप किसको सॉल्यूट बोलोगे और किसको सॉल्वेंट बोलोगे। तो अभी जो एग्जांपल दिया वहाँ से सब शुरू करते हैं हम लोग। सॉल्यूट विद्यार्थी जो कम जानता है, सॉल्वेंट शिक्षक जो ज़्यादा जानते हैं। अब यदि विद्यार्थी और शिक्षक का, मैंने विद्यार्थी शिक्षक का तो बात ही छोड़ दिया जाए, दो ऐसे व्यक्ति जिनका ज्ञान समान हो,
समान हो मतलब डिग्री के आधार पे जनरली हम लोग बोलते हैं कि जैसे दो लोग हों, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक जैसा डिग्री है दोनों का, तो उस केस में आप बोलोगे कि कौन ज़्यादा जानता है कौन कम जानता है, ये बताना संभव नहीं है। हाँ, एक पोस्ट ग्रेजुएट है, एक अंडर ग्रेजुएट है, तो वहाँ से बता दोगे कि अंडर ग्रेजुएट वाला चूँकि उससे कम डिग्री है इसके पास, तो यह कम जानता होगा, तो उस केस में आप उसको स्टूडेंट बोल सकते हो, और वह जो ज़्यादा जान रहा है वह उसका टीचर का कार्य कर सकता है, बता सकता है, उसको सिखा सकता है, कुछ समझा सकता है। लेकिन दोनों का ज्ञान सेम है, दोनों जो है सहपाठी हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं, हालांकि वहाँ भी अंतर होगा, वहाँ भी जो है दोनों में ऐसा नहीं कि दोनों बराबर, थोड़ा कोई कम जानेगा कोई ज़्यादा जानेगा ऐसे केस के। लेकिन यदि दोनों का नॉलेज बराबर है, कोई सवाल दोनों एक जैसा सॉल्व करा, तो उस केस में आप नहीं वहाँ कंक्लूड कर पाओगे कि कौन टीचर और कौन स्टूडेंट। तो टीचर और स्टूडेंट का जो क्लासिफिकेशन है यह किया गया है ज्ञान के आधार पर कि जो ज़्यादा जानकार है वह टीचर, जो कम है वह विद्यार्थी। अब दोनों का ज्ञान एक जैसा है तो आप टीचर और स्टूडेंट किसी को बोल ही नहीं पाओगे, उस केस में आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि कौन स्टूडेंट और कौन टीचर। ठीक उसी प्रकार से यदि दोनों का अमाउंट बराबर हो जाए तो आप यहाँ से मुश्किल है कि किसको आप सॉल्यूट और किसको आप सॉल्वेंट बोलोगे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। डिफिनेशन बोल रहा है कि सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट कम है, तो यदि ऐसे रहा बराबर तब क्या, कोई भी सॉल्यूट और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है इस केस में, सिंपल सी बात है। जैसे बताया कि दोनों का ज्ञान सेम है तो फिर तो कोई किसी को बता सकता है, किसी को स्टूडेंट किसी को टीचर बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अलग अलग ज्ञान है दोनों का, तो जो कम जान रहा है वही होगा विद्यार्थी, जो ज़्यादा जान रहा है वो होगा टीचर। उसी प्रकार से यहाँ है कि जो कम है सॉल्यूट, जो ज़्यादा है सॉल्वेंट, दोनों बराबर है, तो एनी वन कैन बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। समझ गए बात को? तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि क्या मतलब होगा यदि दोनों बराबर होगा तब किसको हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट बोलेंगे, सर ऐसे अलग अलग करके तो बता दिए, तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। उस केस में आप क्लियर नहीं हो पाओगे, किसी को भी कुछ ले सकते हो। तो जैसे मान लो कि इथेनॉल आपने लिया 95.6%, वाटर आपने लिया 4.4%, बना सॉल्यूशन जो कहलाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट एक सॉल्यूशन है जिसमें 95.6% इथेनॉल है, 4.4% वाटर है। तो यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि इथेनॉल बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत कम है, तो वाटर विल बी सॉल्यूट एंड इथेनॉल विल बी सॉल्वेंट इन दिस केस। उसी प्रकार से 80% कॉपर और 20% जिंक जब आप मिलाओगे तो बनता है ब्रास, पीतल। ब्रास पीतल, कॉपर हुआ तांबा, जिंक हुआ जस्ता। तो जब तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक को मिलाओगे इस प्रोपोर्शन में तो ब्रास पीतल बनता है। पीतल का बर्तन तो हर के घर में होगा, तो क्या पीतल का बर्तन में देखने से उसमें तांबा और जस्ता माने कॉपर और जिंक अलग अलग दिखाई देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अरे दिखाई देगा भी कैसे अलग अलग, वह तो एक होमोजीनियस कम्बिनेशन है ना, सॉल्यूशन है, एक एलॉय है, मेटल का होमोजीनियस कम्बिनेशन एक एलॉय है वह ऐसे। तो यहाँ भी कॉपर ज़्यादा है तो कॉपर इज़ द सॉल्वेंट एंड जिंक इज़ द सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए अच्छे से जो है इस बात को ध्यान में रखोगे आप। अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट को हम लोग डिस्कस किए पूरी तरह से। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन एक देखा हमने, बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी, जो था नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे। अगला क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। किस आधार पे? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पे। सॉल्यूट सॉल्वेंट, और यहाँ आप ले लो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और इधर आप ले लो एग्जांपल।
एग्जाम्पल ले लो ऐसे, सॉल्यूट का क्या फिजिकल स्टेट हो सकता है, सॉल्वेंट का क्या हो सकता है, और फिर दोनों के फिजिकल स्टेट के आधार पे सॉल्यूशन किस टाइप का हो सकता है, और ऐसे सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा। तो जैसे सॉल्यूट है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये मान लो सब केस में सॉलिड ही है, तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एक सॉलिड कंपोनेंट हो, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते ही हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सो ऑल दिस थ्री आर कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशंस। एग्जांपल, ज़्यादा मात्रा में सॉलिड, कम मात्रा में भी सॉलिड, तो इसके एग्जांपल्स हैं एलॉयज या फिर कलर्ड ग्लासेस हैं। कम मात्रा में लिक्विड, ज़्यादा मात्रा में सॉलिड, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग जनरली अमलगम्स बोलते हैं, जैसे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम। अमलगम हम लोग बोलते हैं मरकरी के साथ यदि किसी का सॉल्यूशन हो तब। उसी प्रकार से ज़्यादा मात्रा में सॉलिड, कम मात्रा में गैस, तो इसके लिए जैसे H2 गैस एडजॉर्ब्ड ऑन निकेल सरफेस, निकेल सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, तो निकेल सरफेस पे हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन होता है, होमोजीनियस कम्बिनेशन होता है, देख के पता नहीं चलता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एक सॉलिड। तो यदि सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट क्या है डजंट मैटर, सॉल्वेंट यदि सॉलिड है तो वैसे सॉल्यूशन को आप सॉलिड सॉल्यूशन बोलोगे बेफिक्र होकर। उसी प्रकार से सॉल्यूट फिर से सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सॉल्वेंट हर केस में लिक्विड हो, ऐसा। अब यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो ऐसे सॉल्यूशन को आप लिक्विड सॉल्यूशन बोलोगे, सॉल्यूट क्या है डजंट मैटर, इफ सॉल्वेंट इज लिक्विड, सॉल्यूट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट इफ सॉल्वेंट इज लिक्विड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स, कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लिक्विड में सॉलिड, ज़्यादा मात्रा में लिक्विड, कम मात्रा में सॉलिड, तो मोस्ट कॉमन तो यही है, NaCl को आप वाटर में मिलाओ, NaCl सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, दोनों लिक्विड, इथेनॉल वाटर मिलाओ, दोनों लिक्विड हैं, गैस लिक्विड, तो जैसे CO2 गैस डिजॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, या फिर ऑक्सीजन गैस पानी में घुला हुआ है, वह भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक उस प्रकार से आप अगला क्लासिफिकेशन इसका ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ आप तीनों कंपोनेंट को गैस कर दो, ऐसा। तो इफ सॉल्वेंट इज गैस, सॉल्यूट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, डजेंट मैटर, बट इफ सॉल्वेंट इज गैस द सॉल्यूशन इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, तो गैस में सॉलिड, ज़्यादा मात्रा में गैस हो, कम मात्रा में सॉलिड हो, तो जैसे डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, डस्ट पार्टिकल्स एयर में होते हैं, फिर भी एयर जो है ट्रांसपेरेंट है, पता नहीं चलता है कहाँ डस्ट पार्टिकल्स हैं, हाँ बहुत तेज आंधी तूफान चले तो अलग बात है, नॉर्मल तो पता नहीं ही चलता है, लेकिन है उसमें डस्ट पार्टिकल जो दीवार पे चिपकते हैं, जब उनका एडजॉर्प्शन होता है तब पता चलता है हम लोग को कि हाँ डस्ट पार्टिकल तो थे उसमें। उसी प्रकार से गैस में लिक्विड, तो मॉइस्चर इन एयर या वाटर वेपर इन एयर, और गैस, गैस तो कॉमन हुआ, एयर खुद एक गैसेस का कॉम्बिनेशन है, होमोजीनियस। तो यह जो क्लासिफिकेशन हुआ, यहाँ से एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आप एक वैसा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दो जिसमें दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड हों, या फिर जिसमें सॉल्वेंट गैस हो, सॉल्यूट सॉलिड हो, तो ऐसे सॉल्यूशन का आप एक एग्जाम्पल दो। तो ऐसे करके जो टोटल 9 क्लासिफिकेशंस हैं जो अभी हमने देखा, नोट्स में सारे लिखे हुए हैं, उन सभी क्लासिफिकेशन को
आप डिटेल में जो है एक बार ध्यान में रख लोगे तो हो जाएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से आता ही है और पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको ध्यान रखना है। तो अभी तक जो इस चैप्टर में पढ़े हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जिससे मिलके बनता है वे उसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे, कंपोनेंट्स में जो ज़्यादा मात्रा में होता है जिसमें डिजॉल्यूशन होता है वह सॉल्वेंट, और जो डिजॉल्व करता है कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, इतना बात। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्यूशन में भी बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी, बट बाइनरी इज मोस्ट कॉमन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशंस आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, एंड इन ईच टाइप थ्री फर्दर क्लासिफिकेशंस आर पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इन लिक्विड सॉल्यूशन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। सो एमंग ऑल दीज द लिक्विड सॉल्यूशन इज मोस्ट कॉमन, जिसके बारे में पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और लिक्विड सॉल्यूशन में ही या तीनों केस, कभी सॉलिड में लिक्विड, कभी लिक्विड में लिक्विड, कभी गैस में लिक्विड, और यही तीन सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज जो है इस चैप्टर को यहीं तक हम लोग करते हैं, बाकी का डिस्कशन फिर जो है आगे का लेक्चर से। धन्यवाद।